मोटिवेटर रणवीर प्रेजेंट्स शिव नंदी राइडर्स। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि कभी कोई बाइक राइडर मिलेगा तो क्या हम उससे मिलने जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज हम लोग हाजिर हैं उन बाइक राइडर्स के साथ जिन्होंने एक ऐसे जुनून के साथ इसको रखा है जो धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। दोस्तों, आज हमें नागेश्वर जो कि है द्वारका में, और यहाँ द्वारका में हमें मिले ये बाइक राइडर्स जिन्होंने अपनी जो कहानी सुनाई है वो बहुत ही मोटिवेशनल है। तो दोस्तों, ग्रुप का नाम है शिव नंदी राइडर्स। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। दोस्तों के साथ मिल करके जो मज़ा आता है वो तो अलग ही है, लेकिन दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग ये शौक कैसे चढ़ा? सर, शौक सब पहले से था। सबको देखते थे कि सब राइड कर रहे हैं, सब यहाँ पर जाते होते, पर हमारे कॉलेज लाइफ से दोस्त है, अभी 10 साल हो गया हमारा दोस्ती का। जी, हम साथ में स्टार्टिंग से हम लोग मेक किया है पूरा, मतलब हर एक चीज़ हम लोग ने जो बनाई है ना, एकदम ग्राउंड लेवल से हम लोग ने पूरा बनाया। तो क्या बहुत पैसा है आपके पास में जो आप लोगों ने बाइक राइडिंग शुरू कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो है साल में एक बार का ट्रिप रहता है, ओके, 20 डेज का हम लोग ट्रिप बनाते हैं, तो उसमें हम लोग है ना सिर्फ ज्योतिर्लिंग कवर करते हैं या फिर शिव का जो भी बड़े से बड़ा स्टैचू है जी, इंडिया में जितने भी शिव स्टैचू है बड़े, वो सब हो गए हम लोग के, और 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए लास्ट। तो आप कह रहे हैं कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं बाइक के ऊपर में? सर, कैसा लगता है ज्योतिर्लिंग में जा करके, क्योंकि लोग तो छुट्टियों में थाईलैंड जाना चाहते हैं? नहीं, ये अमेजिंग फीलिंग है, हमें शांति मिल जाती है, पीसफुल लाइफ, मतलब एक जो महादेव से अलग ही लगाव है सर हमें, जो एक साल पर हमारा स्ट्रेस है तो वो दूर हो जाता है, भगवान है, खत्म हो जाते हैं सर। महादेव का नाम सुनते ही सर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता उनके अलावा, मतलब तो महादेव हैं जो आपको बुलाते हैं और बस बाइक निकल जाती है। तो ये चाबियां और ये बाइक बस महादेव के लिए बनी है। तो अभी तो आपने जैसा बताया, जी हाँ, शिव नंदी राइडर्स दोस्तों जाते हैं, ये बस शिव और नंदी से मिलने के लिए चले जाते हैं जिस दिन भी शिव का बुलावा आता है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लेकर के बाइक्स निकलते हैं सड़कों पे, तो क्या पुलिस वालों से परेशानी होती है? नहीं, देखो हम लोग प्रॉपर जाते हैं, तो हम लोग आज तक है ना पूरा इंडिया मेरा कवर हो गया, बट है ना आज तक कभी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। मतलब उन लोगों ने हमेशा एक रिस्पेक्ट ही दी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप मौज मस्ती करने नहीं निकले हैं। तो सर, क्या कहना चाहते हैं आप आजकल के युवा पीढ़ी से, जो लोग हमेशा या तो पढ़ाई करते रह जाते हैं या एकदम बेकार हो जाते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबको, कि आप पढ़ाई के साथ साथ बाहर का नेचर, बाहर घूमो, दुनिया देखो, अलग अलग शहर में जाके उनके साथ रहो, कैसा कल्चर है, क्या है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको ये चीज़ है, क्योंकि ना अभी का जो जनरेशन है ना ये सब भूल जाता है जी भाई, कि ये पीढ़ी जो आई है, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो कैसे आने वाली है, तो आजकल तो सिर्फ मोबाइल में ही सब देख लिया, मतलब हो जाता है उन लोग, ऐसा नहीं होता। नेचर बहुत खूबसूरत है, हम लोग नेचर बहुत खूबसूरत है, ये लाइन तो टैग लाइन बन सकती है, क्योंकि जब आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तो भगवान अपने आप आपको वहाँ मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई कि आपने 12 ज्योतिर्लिंग कवर किए। यहाँ से अभी ये यात्रा किस तरफ जा रही है? नेपाल जा रही है। आप लोग यहाँ से नेपाल जाने वाले हैं? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, तो आपको मालूम है ना अभी आप कहाँ पर हैं? नागेश्वर, जो कि है द्वारका के पास, और यहाँ से नेपाल अभी बहुत दूर है, 2300 किलोमीटर के पास है, तो मतलब 2500 किलोमीटर इन्हीं बाइक्स के ऊपर। तो सेफ्टी कैसी रखनी चाहिए साहब? सेफ्टी तो देखो, जितना अच्छा क्वालिटी का अपन जैकेट्स लो, पैंट लो, तो आपकी सेफ्टी बहुत एकदम मेन चीज। आप हेलमेट आप अच्छे से वेयर करो, हेलमेट अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा मतलब सेफ्टी बहुत अच्छा होगा। क्या जो लोग रेगुलर बाइक चलाते हैं उन्हें भी हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए? पहनना ही चाहिए सर, पहनना ही चाहिए, सेफ्टी के लिए हमें पहनना ही चाहिए, हमारा जान प्यारा है तो हमें पहनना ही चाहिए सर, क्योंकि आप भी शायद यही मानते हैं कि खोपड़ी जो है ये अगर है तो सब कुछ सलामत है। सही बात है। बट दोस्तों, आपके साथ मिलकर के सच में बहुत अच्छा लगा। शिव नंदी राइडर्स को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले समय में हम जरूर मिलेंगे। आपका इंस्टाग्राम का चैनल का नाम क्या है साहब? शिव नंदी राइडर्स। शिव नंदी राइडर्स। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये नाम पहचान लीजिए, कहीं पर भी मिलते हैं तो वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए महादेव के उन भक्तों को, जिसके लिए वो अपने घरों से पैसा लगा करके, अपना जेब से पैसा लगा के निकलते हैं और मिलने जाते हैं महादेव से। तो दोस्तों, हर हर महादेव। हर महादेव। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे चैनल को खूब सपोर्ट किया, आगे भी इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शिव नंदी राइडर्स को भी सपोर्ट जरूर करें। आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद।